अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इन एनी ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट प्रोसेसिंग्स आर कंटिन्यूसली अक्रिंग लाइक ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो कंटिन्यूसली हो रहे हैं, जैसा कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट। दीज आर फ्यू प्रोसेसेस विच आर अकरिंग कंटिन्यूसली। टू ऑल दीज प्रोसेस ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी। इन तमाम केमिकल रिएक्शंस के परफॉर्म होने के लिए बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी जो है वो रिक्वायर है। अब ये जो एनर्जी है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से हमारी बॉडी को जो है वो मिलती है। हम इसके डिफरेंट सोर्स जो है वो स्टडी करेंगे। वन ऑफ सच सोर्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, विच इज कलेक्टिवली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली those reactions which involve the transfer of electron between two atoms. During the transfer of electron energy is produced. So redox reaction is actually transfer of electron redox reaction jo hai ye transfer of electrons hai between two atoms. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। इसको हम दो टाइप्स में जो है वो स्टडी करते हैं। वन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड अनदर इज नोन एज रिडक्शन। दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर डिफाइंड एज दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम लूजेज लाइफ। Oxidation can be defined in three ways. It is defined as oxidation occur when an atom loses electron, when an atom loses hydrogen atom, और वेन एन एटम गेन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन कब होगी कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तब ऑक्सीडेशन होगी। रिडक्शन इज डिफाइंड एज एन ऑपोजिट मैनर। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन गेन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज नोन एज रिडक्शन। मोर ओवर gain of hydrogen, it is also known as reduction, and removal of oxygen, it is known as reduction. Now we'll study the redox as a source of energy. In this process the electrons act as a source of energy. Electrons as a source of energy. Electrons act as a source of energy. It depends upon the location of electrons. Location of electrons and arrangement of electrons. इलेक्ट्रॉन कब जो है वो हमारा एनर्जी सोर्स के तौर पर एक्ट करेगा, कब नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन पर और इनकी अरेंजमेंट पर। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टडी द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जब हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में स्टडी करेंगे, इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेबल होंगे। इलेक्ट्रॉन्स ने जो दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ है वो स्टेबल पेयरिंग की हुई है। इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स स्टेबल एसोसिएशन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो स्टेबल एसोसिएशन की हुई है। सो इट इन दिस केस इट डज नॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जब उसकी एसोसिएशन स्टेबल है तब वो एनर्जी के सोर्स पर एक्ट नहीं करेगा।
और अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो किसी ऐसे एटम के साथ अटैच करें कि उनकी एसोसिएशन अनस्टेबल हो, जब एसोसिएशन अनस्टेबल होगी उस केस में जो है वो एनर्जी सोर्स के तौर पर जो है वो एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ वी स्टडी इफ़ दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के वो किसी और एटम के साथ अटैच कर दिए जाएं, फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन आर ड्रैग्ड एंड अटैच टू सम अदर एटम्स, और किसी और एटम के साथ अटैच कर दिए जाएं, अटैच टू सम अदर एटम। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से कार्बन के साथ अटैच कर दिए जाएँ या हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दिए जाएँ। अब इस केस में जो पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे, अनस्टेबल एसोसिएशन। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अनस्टेबल एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे वो जो हैं वो वापस जो है वो अपने ऑक्सीजन एटम के पास जाएंगे और इस दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज करेंगे। इन दिस वे दिस इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ इफ वी रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ड्रामेटिकली वी कैन से दैट देयर इज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, दिस एटम रिमूव इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से दैट इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ये जो एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इन दिस वे वी कैन से दैट इट इज ऑक्सीडाइज, हेयर ऑक्सीडेशन अकर। ऑन दी अदर हैंड देर इज अनदर कंपाउंड बी, दिस कंपाउंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इट इज चेंज्ड इनटू नेगेटिव चार्ज, और हेयर वी कैन से दैट रिडक्शन अकर, here we can say that reduction occur. These are the mechanism of oxidation and reduction reactions which act as a source of energy. Thank you.